नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। और इस समय गोहाना के अनाज मंडी में जो किसान महापंचायत खत्म हो गई और ये पैदल मार्च करते हुए छोटू राम और जो भगत सिंह और अम्बेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ अभिमन्यु कवर हैं। सर, आज जिस तरह से जो किसान महापंचायत, उसका क्या एजेंडा था? देखिए, पिछले 9 सालों से हम लगातार आंदोलन लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को बार बार अनसुना कर रही है। हम सरकार को ये स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि अगर अब भी हमारी आपने मांगे नहीं मानी, जैसे MSP का गारंटी कानून बनाया जावे, MSP स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिया जावे, भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 वाला इन्होंने केंद्र का बदल दिया उसको दोबारा से हरियाणा में लागू कराया जावे, इसके अलावा जो किसान भाई आंदोलन में शहीद हुए थे उनके परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी दी जावे, जो बाढ़ के कारण हमारी फसलें खराब हो गई थी उनको फसल का मुआवजा दिया जावे, इसके अलावा और जो हमारी मांगे हैं वो मांगे सरकार पूरी करे। अगर वो मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट की चोट के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा जो भूमि अधिग्रहण जो संशोधन किया गया है कानून में, उसको लेकर कितना विरोध है? बहुत ज्यादा विरोध है। आ जाओ जी, उसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध है। देखिए, दो एक तरफ तो भाजपा ये कहती है एक देश एक कानून होना चाहिए, तो हरियाणा भी तो भारत में है भाई। हरियाणा में वो कानून आपने क्यों बदल दिया जो केंद्र का कानून किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बात कहता है 2013 वाला, जो ये कहता है कि भाई कलेक्ट्रेट से 4 गुना मुआवजा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें कि किसानों की जमीन लेने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जावे, वो कानून इन्हें बदल क्यों दिया? इसका मतलब इनकी नियत में खोट है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा कराना चाहते हैं इसलिए इन्हें वो कानून बदला। तो हमारी आगे क्या रणनीति आप लोगों? देखिए, अभी बाकी हरियाणा में भी हम यात्रा में ठीक इसी तरीके से जाओगे जैसे हमने पानीपत और सोनीपत के 200 गांवों को कवर किया और यहाँ पे एक बड़ी महापंचायत करी। इसी तरीके से अन्य जिलों में भी जाओगे, वहां भी महापंचायतें करेंगे और उसके बाद हर पंचायत में जाकर ये अपील करेंगे कि सरकार यदि हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो वोट की चोट के माध्यम से। कौन कौन से जगह से नेता किसान नेता? हमारे मध्य प्रदेश से, गुजरात से भाई है, पंजाब से और हरियाणा से। तो ये थे और जो खाप है और जो पंजाब के जो है वो लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पर सर, जिस तरह से किसान की जो हालत है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, आज जो महापंचायत हुई थी वो हालत तो किसान की बहुत मारी है, क्योंकि जरा केंद्र सरकार है वो किसान को अच्छी निगाह से नहीं रखता, उसकी नीयत है जो खराब है। अगर उसकी नीयत खराब रहेगी तो ऐसे नहीं चलेगी सरकार, उसको किसी दिन झुकना पड़ेगा। तो जिस तरह से आज किसान महापंचायत हुई है तो क्या एजेंडा था? देखो, आज किसान महापंचायत का ये एजेंडा है, किसान की बीमा पॉलिसी है, किसान की MSP की है और स्वामीनाथन की रिपोर्ट है। बड़े मसले है किसान के लिए जो सरकार दबाई बैठी है, अभी वो कर नहीं रही। अगर हम यही संदेश देने देते हैं, अगर सरकार जे मांगो ना मननी तो फिर बहुत बड़ा संघर्ष किया जाएगा और कुर्सी से पासे की तक। एक फर्टिलाइजर की आपने लोगों ने पंचायत में उठाई कि काफी जो विदेशों जो बात करे तो वहाँ कम हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं हुआ खाद। देखो, जेड़ा है फर्टिलाइजर वो अभी उसको मिलता ही नहीं है, किसान को टाइम में मिलता नहीं है। और जो ब्लैकमेल करते हैं कारपोरेट कराने, वो किसान को पूरे दुगना रेट लगाते हैं। तो लगातार जो है किसान अब पैदल मार्च कर रहे हैं और अभी बात करें तो इनकी यही मांग है कि जिस तरह से सरकार द्वारा जो किसानों की जो मांगे पूरी नहीं की है उनको लेकर, उन्होंने 9 मुद्दों को लेकर सरकार के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की 9 मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय BJP को वोट नहीं देंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।